नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक, 2019 के लोकसभा चुनाव में 350 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। राहुल गांधी के वंशवाद पर अमित शाह का निशाना, कहा भाजपा सुशासन में विश्वास रखती है। भाजपा शासन काल में 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन में बदलाव आया। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक की 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति और बैंक खाते सील किए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंसक वारदात, 1200 विद्यार्थियों पर मुकदमा। ममता बनर्जी को झटका, सांसद मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस और सांसद पद छोड़ेंगे। मुलायम का अखिलेश पर निशाना, कहा जिस व्यक्ति ने अपने बाप को धोखा दिया हो वह किस्मत का धनी नहीं हो सकता। बरेली के आंवला क्षेत्र में देवी जागरण पंडाल पर बिजली का तार गिरा, 2 लोगों की मौत, भगदड़ में 30 अन्य घायल हुए। विदेश मंत्री वीके सिंह ने कहा देश के सभी मुख्य डाकघरों में खुलेंगे पासपोर्ट कार्यालय, आवेदकों को मिलेगी राहत। अमेरिका ने लीबिया में हवाई हमले किए, 17 आतंकवादी मारे गए। म्यांमार में 28 हिंदुओं की सामूहिक कब्र मिली, रोहिंग्या आतंकियों पर कत्ल का आरोप। अमेरिका के नैशविले में चर्च में एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की, महिला की मौत, 6 लोग घायल हुए। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।